मीना बाज़ार फैसल बाज़ार इस तरफ कोई बंदा नहीं रखा हुआ, वहाँ लाइटिंग नहीं लगी हुई फैसल बाज़ार मीना बाज़ार की तरफ। हाँ, जो जहाँ सामान है वहाँ इन्होंने लाइटें लगा दी हैं, बाकी जो है जो इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है वो यहाँ के पोलों से हो रहा है, पोल से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ली है, पानी भी जो है मकामी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये लूप होल है जो कि वज़ीर आला साहब या मुर्तज़ा वहाब साहब जो है उसकी पॉसिबिलिटी करें ठेकेदार की। बाकी जो कॉस्ट्यूम है मजदूर के हवाले से आप देख सकते हैं, मजदूरों को जो है यहाँ कॉस्ट्यूम नहीं दिए गए नहीं दिए गए, जो एक होता है कि आप कैप्स दें या उनको जॉगर्स दें, शूज़ दें और जैकेट्स दें। आप देखें मजदूर क्या काम कर रहे हैं, मगर मजदूरों के पास जो है कोई भी एक ही जो है वो नहीं है ISO स्टैंडर्ड का कॉस्ट्यूम, तो वो भी जो है देना चाहिए। आप देखेंगे मैं दिखा रहा हूँ साइडों का रास्ता, साइडों का रास्ता जो है कैसा टूटा हुआ है, ऐसे जहाँ बाइक्स आ सकती हैं यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ सकती। काम स्टिल हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये पहले मरहले का जो 70% काम है बल्कि 60% काम वो स्टार्ट हो गया है, इसमें साइडों में दीवार बनना और नीचे बेसमेंट बनना जो है मेन चीज़ है। आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या कर रहे हैं, ये वहाँ जो है मशीन से खुदाई हो रही है ज़मीन पे। मजदूर देखिए घर की चप्पल पहन के घूम रहे हैं, एक मजदूर नज़र आया जिसने कैप पहना हुआ है मगर चप्पल उसने अपने घर की पहनी हुई है, उसके पास जो है कॉस्ट्यूम नहीं है। बाकी जो दो मजदूर खड़े हुए हैं उनके पास कोई कैप नहीं है, इस मजदूर के पास कैप कैसे मैं खुद सरप्राइज हूँ कि वरना यहाँ कैप्स किसी के पास नहीं, किसी मजदूर के पास कैप्स नहीं है, ना ही जॉगर्स हैं ना ही इनकी जैकेट्स हैं। लोहे का काम हो रहा है तो लोहे के काम पर जो है इनको ISO स्टैंडर्ड के जो है वो कॉस्ट्यूम होने चाहिए इनके पास। ये तो बात है कराची के करीमाबाद के हवाले से, और देखिए काम तो होता है, काम हो जाता है, मगर आप अगर ISO स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा मामला। अगर कोई गैर मुल्की मीडिया यहाँ आता है और देखता है तो वो तो ये बोलेगा ना कि आपने ISO स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया हुआ। आप देखिए अरबों रुपये तो लगा रहे हैं ना अंडर पास में, जब अरबों रुपये आप जब लगा रहे हैं तो अरबों रुपये को आप जस्टिफाई भी तो करें ना यार, जो आप ठेकेदार को ठेका दे रहे हैं उसकी आप प्रोफाइल भी तो चेक करें ना, क्या है कि मजदूरों को वो क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा, क्यों फैसिलिटेट नहीं कर रहा, क्यों बिजली की चोरी यहाँ से कर रहा है, क्यों यहाँ का पानी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो उससे सवाल करना चाहिए ना कि हुकूमत तो उसको पैसे दे रही है तो वो क्यों चोरी कर रहा है, वो क्यों डंडी मार रहा है। तो ये चीज़ जो है वो सवालिया निशान है। मैं हुकूमत पर या मैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं तनकीद जो कर रहा हूँ ठेकेदार पर कर रहा हूँ, और इस ठेकेदार की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए मुर्तज़ा वहाब साहब को और वज़ीर आला साहब को। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ स्टिल जो है काम हो रहा है, खुदाई हो रही है, ये जो मशीन जो टक 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 कर रही है ये क्या कर रही है, ये ज़मीन को खोद रही है। जब ज़मीन खुद जाएगी अच्छी खासी तो फिर यहाँ से जो मलबा है इन दो ट्रक में डाला जाएगा और ये ट्रक जो है डंप करके आएंगे इस मलबे को। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी होता है कि जो मलबा जाता है वो जाता कहाँ है, कुछ लोग कहते हैं कि ठेकेदार भेज देता है, कुछ लोग कहते हैं ये मलबा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है तो ये उसको संभाल लेते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई यहाँ जो सीमेंट का काम होता है इस सीमेंट के काम में जो है इस मलबे को काम में लेके आया जाता है। तो आप देखिए कि मुस्तकिल मशीन जो है लगी हुई है और ये जो आवाज़ आ रही है आपको इस मशीन की आ रही है, ये ज़मीन को खोद रही है, जितनी खुदाई यहाँ हुई है इतनी गहरी खुदाई आगे जाएगी और ये जाएगी आगे फसल बाजार तक। उसके बाद जो दूसरा मरहला है ब्रिज के नीचे वाला वहाँ भी इसी तरह खुदाई जाएगी और तीसरा मरहला जो है वो जाऊदी अस्पताल के वहाँ निकलेगी। और यह जो सामने आप मियाँ दाद स्पोर्ट्स देख रहे हैं इसके सामने जो है जो कि नक्शे में भी आया है जो कि मेरी नॉलेज में है कि यहाँ सामने जो है रोड डल जाएगा ऊपर और इसको सामने जाना होगा, वो इस रोड को होते हुए तो सामने चले जाएगा। अभी फ़िलहाल मामला ये है कि अभी रमज़ान की आमद है और जो दुकान वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके काम जो है बिल्कुल ठप हो चुके हैं अंडर पास की वजह से। तो दुकान वालों का कहना ये है कि हमें जो है कंपनसेट किया जाए और हमें जो है वो हमारे जो एरिया है उसको बिजली के बिलों से माफ़ किया जाए। और जो फतारे वाले उनका कहना है कि हमें मंथली 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार रुपये महीना हुकूमत की तरफ से कुछ दिया जाए क्योंकि हमारे पास कस्टमर नहीं है, जो वर्किंग कस्टमर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ना होने के बराबर है। तो दुकान वाले फतारे वाले बहुत परेशान हैं। हालांकि जो करीमाबाद है यहाँ आपको कपड़े बनाना बचाना जलाना मरदाना मिलेंगे, साथ साथ यहाँ आपको पैनाफ्लेक्स की मार्केट मिलेगी, यहाँ आपको सारे स्पोर्ट्स वाले मिलेंगे, यहाँ आपको कन्फेक्शनरी ग्रोसरी के आइटम मिलेंगे। तो यहाँ जितनी भी दुकान वाले हैं सब परेशान हैं, चाहे वो मेन रोड वाले हों चाहे पीछे गली वाले हों, सबका कहना ये कि इनके जो कस्टमर हैं वॉकिंग कस्टमर 99% वो इस अंडरपास की वजह से हिट कर गए हैं और वो आ नहीं रहे। इवन के जो होटल वाले हैं वो भी कह रहे हैं।
तो आपसे जो भी हुकूमत के वक्त है उनसे गुजारिश है कि उनको कंपनसेट करें, इन दुकान वालों के लिए कोई कमेटी बनाएं, अस्पताल वालों